हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देख लिया था कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा, फेजों की संख्या के आधार पर हमने पिछली वीडियो में देख लिया था ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर भी हमारे पास यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीटी और पीटी। अभी आप देख रहे हो सीटी और पीटी क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आगे कि सीटी और पीटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसके अंदर हमारे पास थी दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी और एक हमारे पास थी यहाँ पे सेकेंडरी। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और उसी वाइंडिंग में प्राइमरी और उसी से सेकेंडरी बार ले लेते हैं। यानी हमारे पास एक साइड हो जाती है प्राइमरी और दूसरी साइड हो जाती है सेकेंडरी। किस प्रकार होती है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा सेल्फ इंडक्शन पे, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो हमारा पहले वाला ट्रांसफार्मर था जिसमें डबल वाइंडिंग थी वो हमारा था म्यूचुअल इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। ये सेल्फ इंडक्शन पर क्यों काम करता है फ्रेंड्स, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी का काम करती है और वही सेकेंडरी का काम करती है, तो ये अपना काम सेल्फ करता है। यानी कि एक ही वाइंडिंग का, एक ही वाइंडिंग यहाँ पे काम करती है तो वो सेल्फ काम करती है, दूसरी वाइंडिंग पे डिपेंड नहीं रहती। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग हमने यहाँ पे कर दी, उसी वाइंडिंग से ये हमारी एक वाइंडिंग हुई, या इसी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं अलग अलग टेपिंग निकाल देते हैं। टेपिंग से मतलब है फ्रेंड्स कि वाइंडिंग के बीच बीच में से तार हम अलग जॉइंट निकाल देते हैं, जिससे कि एक वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, एक वायर हमारे यहाँ पे हो गया कॉमन। जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ दिया हमने फेज और यहाँ दिया हमने न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉमन हो गया, न्यूट्रल तो हमारा हो गया कॉमन। और फेज जैसे है तो फेज में हमने यहाँ पे निकाल दी अलग टेपिंग, चार हमने यहाँ पे निकाल दी टेपिंग। अब जिस जिस टेपिंग पे हम न्यूट्रल और जिस जिस टेपिंग पे हम कोई लोड लगाएंगे, यहाँ पे कोई लोड लगाएंगे वो उतनी वोल्टेज पर, यानी कि अभी यहाँ पे पूरी वाइंडिंग काम करेगी, मतलब यहाँ पे हमने दिए 240 वोल्टेज, तो पूरी जब वाइंडिंग काम करेगी तो हमारे लैंप को मिलेगी यहाँ पे 240 वोल्टेज। और जैसे हम टैपिंग चेंज करते हैं, यानी कि हमारा फेज तार चेंज करते हैं, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है हमारे पास रोटरी स्विच होता है, तो जैसे हम उस स्विच को घुमाते हैं तो हमारी टैपिंग चेंज हो जाती है और वो सटकर दूसरी तार से ज्वाइंट हो जाती है, यानी कि पहले वाले से हट जाती है और दूसरे तार से कनेक्ट हो जाती है। अब नीचे वाली वाइंडिंग हमारी काम नहीं करेगी। अब जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर जैसे टैपिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ होता है रोटरी स्विच, तो जैसे हम उसको टैपिंग चेंज करेंगे तो वो यहाँ से हटके ऊपर वाली टैपिंग पे, या फिर उसको लो करेंगे तो नीचे टैपिंग पे, हाई करेंगे तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ इस टैपिंग से जुड़ेगा तो इतनी इतनी वाइंडिंग हमारे पास यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। वर्क नहीं करने के कारण फ्रेंड्स क्या होगा, इतना इतना हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र नहीं कटेगा, तो इतनी वाइंडिंग हमारी काम करेगी। यहाँ पे हमारे को 240 वोल्टेज मिल रही थी, तो यहाँ पे वोल्टेज, अब चुंबकीय क्षेत्र कम पड़ने का तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कट जाएगी, घटने के कारण यहाँ पे कुछ मान लो 10% 20% जितनी कटती है, तो यहाँ पे मान लीजिए 200 वोल्टेज मिलेगी। फिर उससे जैसे ऊपर टैपिंग चेंज करते हैं वहाँ पे हमारे को मिलेगी 180। अब जब ये अकॉर्डिंग होता है वाइंडिंग की, टैपिंग के अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स कि कितनी टैपिंग हम निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ये फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा होता है
ये गति नियंत्रण के काम में आता है अधिकतर। जैसे हम मोटरों के अंदर भी लेते हैं इसको, कि हमारे जो मोटर मोटर की जो टॉर्क है, गति है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं, या फिर हम इसको लेते हैं रोटरी बूस्टर के, यहाँ पे हम इसको लेते हैं रोटरी बूस्टर के यूज में भी इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज लेते हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके लाभ और हानि। इसके लाभ और हानि क्या है फ्रेंड्स, कि एक तो आकार में छोटा होता है बजाय प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर के। एक इसकी जो लागत है, लागत मूल्य है, वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही वाइंडिंग की जाती है, तो तांबे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी कि पैसे जो है वो कम हो जाते हैं। उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें डबल खर्चा हो जाता है। दूसरा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो बहुत कम होती है। और फ्रेंड्स इसका जो हानि है, हानि क्या है कि इसकी मरम्मत करने के लिए अगर कोई कारीगर इसकी मरम्मत करता है तो उसको विद्युत झटका लगने का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि उसकी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? हमने जो पहले ट्रांसफार्मर देखा था उसके अंदर थी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो फ्रेंड्स उसमें क्या था, उसके अंदर वार्निश हम लगा देते थे, मतलब वाइंडिंग के ऊपर वार्निश लगा देते थे ताकि किसी भी प्रकार का विद्युत झटका हमारे को ना लगे। पर इसके अंदर हम वो चीज नहीं कर सकते। अगर हम इसके अंदर वार्निश लगा देंगे, वाइंडिंग के ऊपर वार्निश लगा देंगे, तो हम टेपिंग जो निकाल रहे हैं उसका हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे। ये है इसकी लाभ और हानि। अब देख लेते हैं हम जो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, इसका अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में जो थे हमारे पास सीटी और पीटी, वो देख लेते हैं हम क्या है। फ्रेंड देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ये है होता है कि जो हमारे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, यानी उच्च वोल्टेज और उच्च धारा को मापने वाले जो यंत्र होते हैं उनके अंदर लगाया जाने वाला ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दो भागों में इसको हम बांट देते हैं, सीटी और पीटी। ये हमारे काम आता है पारेषण और वितरण के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास उच्च वोल्टेज और उच्च धारा होती है, तो वहां पे इतने हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर के हमारे उपकरण, ओ मापक यंत्र नहीं बनाए जाते। इस वजह से उनके छोटे जो मापक यंत्र होते हैं उन्हीं के अंदर इन ट्रांसफार्मर को फिट कर दिया जाता है, और अनुपातिक रूप के अंदर उनको माप लिया जाता है कि वो कितने एम्पियर या कितनी वोल्टेज हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले सीटी ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है। फ्रेंड्स सीटी मतलब ये आता है करंट ट्रांसफार्मर, करंट करंट ट्रांसफार्मर यहां पे हमारे पास होता है सीटी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास यहां से सप्लाई आ रही है, तो प्राइमरी में तो हम मोटे तार और कम लपेटे दे देते हैं ताकि ये अधिक धारा सहन कर सके, और सेकेंडरी को हम इस प्रकार लगाते हैं फ्रेंड्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में हम कोई लोड नहीं जोड़ते, सिर्फ हमारे पास मापक यंत्र वहां जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम धारा की बात करें तो हमारे पास यहाँ एम्पियर मीटर सेकेंडरी में जुड़ा हुआ होगा, तो सेकेंडरी में जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें होता है हमारे पास पतले तार और अधिक लपेटे, पतले तार और अधिक लपेटे। अब यहाँ पे सेकेंडरी के हमारे पास बच गए दो सिरे, यहां हम लगा देते हैं हमारा क्या नाप रहे हम, करंट। तो यहां पे करंट नाप रहे तो हम यहां लगा देंगे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर यहां पे लगा देंगे, और हम करेक्शन कर देंगे हमारे एम्पियर मीटर के कुछ इस प्रकार सेकेंडरी कॉइल के साथ। अब यहां पे जैसे जैसे हमारे पास धारा प्रवाह होगी तो ये हमारा एम्पियर मीटर अनुपातिक रूप में, अनुपातिक मतलब हो गया हमारे यहाँ पे रेशो में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे है 100 एम्पियर से 200 एम्पियर तक करंट हमारे पास आ रही है, तो हमारा एम्पियर मीटर अनुपातिक रूप में उसको 1 एम्पियर में से और यहां पे 5 एम्पियर तक, 5 एम्पियर तक यहां पे माप देगा, यानी कि हम यहाँ पे अधिक मान का ले लेते हैं, यानी कि 1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक ले लेते हैं, तो ये आसानी से 1 एम्पियर मतलब हो गया है 100, 200 से 200 और 300 से 300, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे 5, यानी कि 500 एम्पियर तक ये धारा ट्रांस, ये हमारे पास एम्पियर मीटर ये माप देगा, यानी कि अनुपातिक कम करके यहाँ पर माप देगा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ होता है पीटी,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी। पीटी यहां पे हमारे पास होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसी में भी सेम उसी प्रकार होता है, या करंट ट्रांसफार्मर की जगह यहां हो जाता है हमारे पास, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर तो कर देते पतले तार अधिक लपेटे ताकि वो हमारी वोल्टेज को सहन कर सके, और सेकेंडरी में कर देते हैं यहाँ पे मोटे तार और कम लपेटे, और वही यहाँ पे हम जोड़ देंगे वोल्ट मीटर। ये भी हमारा अनुपातिक यानी कि रेशो के अंदर वोल्टेज को मापेगा। रेशो के अंदर कैसे मापेगा कि हमारे पास वोल्टेज आ रही है 11,000 से, 11,000 वोल्टेज से यहां पे आ रही है हमारे पास 132,000 वोल्टेज आ रही है, 132,000 वोल्टेज आ रही है। अब इतने वोल्टेज का वोल्ट मीटर हम बना नहीं सकते, इस वजह से हम क्या करते हैं इसके अंदर इस प्रकार की कॉइल या इस प्रकार के ट्रांसफार्मर फिट कर देते हैं कि ये मापे तो हमारी 11,000 वोल्टेज को, पर उसको मापे किस में, अनुपाति यानी कि रेशियो के अंदर। धारा हमारी करंट हमारा फ्लो होता रहेगा कंटिन्यू, बट यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे वो उसी रेशियो को माप देगा यानी उसी वोल्टेज को माप देगा अपने अकॉर्डिंग, कम में माप देगा यानी कि किस में माप देगा, एक वोल्टेज यहाँ पे हम एक ना लेंगे, यहाँ ले लेंगे हमारा 11 वोल्टेज से लेके 132 वोल्टेज तक, 132 वोल्टेज तक। अब यहाँ 11 से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि 11 मतलब यहाँ हो गया हमारा कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो दर्शा रहा है कि हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, 11,000 वोल्टेज आ रही है। इससे अधिक मापेगा तो हमारी उससे 11,000 से अधिक हो जाएगी, 132 मापेगा यानी कि 132 वोल्टेज का मतलब हो गया 132,000 वोल्टेज, यानी कि इस प्रकार अनुपात में ये बांटता है। तो ये थे हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी। फ्रेंड्स ये जो हमारा सीटी और पीटी होता है, अब इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सीटी और पीटी के अंदर जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है ये करंट ट्रांसफार्मर है, तो इसके अंदर हमारी जो वोल्टेज होगी, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो सीटी ट्रांसफार्मर में उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, तो जो वोल्टेज है वो तो हमारी यहां पे होगी स्टेप अप, स्टेप अप होगी यानी कि वोल्टेज तो होगी यहां पर ज्यादा, और करंट हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास यहां पे स्टेप डाउन। ये तो हो गया हमारे पास, ये बात तो कर ली हमने करंट ट्रांसफार्मर की। इसी प्रकार पीटी यानी कि पोटेंशियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होता है, इसमें वोल्टेज तो होती है, वोल्टेज तो होती है कम, और धारा होती है, करंट होती है हमारे पास ज्यादा। ये हो गया हमारे पास सीटी और पीटी। फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा लास्ट जो टॉपिक, आधार के अकॉर्डिंग जो पांचवा जो टॉपिक है वो है व्यापारिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इनकी जो रेटिंग होती है वो होती है हमारे पास केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर, किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर हमारे पास इसकी रेटिंग होती है। सबसे पहले पावर जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी क्षमता होती है वो हमारे होती है 200 किलो वोल्ट एम्पियर की। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हमारे उत्पादन केंद्र से लेके सब स्टेशन तक किया जाता है, यानी कि वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो हम कनेक्शन करते हैं वो हम करते हैं प्राइमरी में तो स्टार कनेक्शन, और सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन।
प्राइमरी में स्टार कनेक्शन और सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन हम पावर ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब फ्रेंड जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता उच्च फुल लोड पर, पूर्ण लोड पर इसकी दक्षता जो होती है वो होती है हमारे अधिक, यानी कि हाई इसके अंदर उच्च दक्षता हमारे पास प्राप्त होती है फुल लोड पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हमारी होती है 5 KVA से, यानी कि 5 kV ampere से 2000 kV ampere तक, 5 KVA से 2000 KVA तक इसकी क्या होती है रेटिंग होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें प्राइमरी में तो करते हैं हम यहाँ पे डेल्टा और सेकेंडरी में यहाँ पे करते हैं स्टार। इसमें सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन करने का फायदा क्या है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें स्टार कनेक्शन करते हैं सेकेंडरी में तो हम वहां पे 3 फेज और सिंगल फेज, 3 फेज और सिंगल फेज हम यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि स्टार के अंदर हमारे को एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। और स्टार डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे आगे की वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।